मिनट में, दो मिनट में आ गया तो उड़ के यहाँ, टाइम लगा होगा ना इसको, बकवास मत कर। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, जो गांव या अपनी अस्पताल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्या मामला है? भाई मामला ये है कि मैं जब ड्यूटी पर था तो सीरियस कार्डियक पेशेंट को मैं देख रहा था, उस हार्ट के पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ था, मैं उसका इलाज लिखना चाहता था, लेकिन उसी बीच में व्यवधान डाला मरीज के रिश्तेदार ने, और वो भी शराब पिए हुए दो लोग थे। शराब पिए लोगों को मैंने कहा कि भाई दो मिनट रुक जाओ, मैं तसल्ली से मैं लिख देता हूँ, ये हार्ट अटैक का मरीज़ है, मर जाएगा, जल्दी मुझे इसकी लिखने दो ट्रीटमेंट ताकि ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। इसी बीच में वो लोग गाली गलौज करने लग गए। उस गाली गलौज के बीच में एक ने मेरे को बोला कि अभी मैं बाहर देखता हूँ तेरे को, जान से मारने की धमकी और दी उसको। मरीज के रिश्तेदारों ने तो नहीं बनाया ये वीडियो वायरल किया, जो किसी और ने बनाया उसको वीडियो पर डाला, क्योंकि मेरे को जल्दी और चिंता इस बात की थी कि वो जो हार्ट अटैक का मरीज है वो मर सकता है, उसको लेके मेरा मन को विचलित किया इन लोगों ने, अन्यथा ऐसी नहीं एकदम आप इतने आक्रोश में आ गए। ये क्या आक्रोश में, इसलिए क्योंकि वो लोग गाली गलौज मार बहन और बाहर देखने की बात करते हैं। यदि ऐसे लोग बात करेंगे तो फिर ऐसे को क्या जवाब दोगे आप, जो वो आपको खुद को गाली गलौज कर रहा है, हैं? और इंसानियत की वो बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं। ये करीबन कितनी बजे की बात आई? ये करीब 11:30 बजे की बात है, उस वक्त में ये चीज़ हुई, और मैं समझा रहा हूँ भाई मानो दो मिनट के लिए रुक जाओ, वेट करो, वेट दो मिनट का नहीं करना चाहते, और सीधा कि भी हाँ मरीज सीरियस है। मैंने बोला मरीज जो सीरियस है उसको मैं देख रहा हूँ, उसका इलाज में जो वायरल वीडियो है उसमें मेरे को देख रहे होंगे, तो ये देख रहे होंगे कि जो मेरे हाथ में बेड एडेड टिकट है, जिस पर टिकट में मैं इलाज लिख रहा हूँ कि मैं इलाज लिखूँ उस मरीज का जिसके लिए ज़रूरी है, है ना। उसी बीच में इन्होंने व्यवधान डाला और मेरे को इन्होंने अपशब्द कहे और धमकी दी। तो इसकी शिकायत अपने पीएमओ साहब को या किसी पुलिस विभाग को पीएमओ करना उचित नहीं समझा? पीएमओ साहब को या पुलिस विभाग को करने से पहले मैं उस हालात को तो रोकूं ताकि भाई दो मिनट तसल्ली कर ले, ताकि मैं उस हार्ट अटैक के मरीज की जान बचा सकूं, जो उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में था, क्योंकि वो हार्ट अटैक उसको अरिथमिया में था वो, और उसको अल्टीमेटली बचाया। इस मरीज के रिश्तेदार को भी मैंने देखा पूरी तरह से, देखने के बाद में उसको तसल्ली बख्श, पूरा इलाज किया, उसका सीटी स्कैन कराया, भर्ती किया, बाद में अगले दिन वो क्योंकि वो सीरियस नहीं था उसको छुट्टी दे दी, क्योंकि मैं ये समझता था कि गंभीर कौन सा मरीज है, उसके लिए जो मुझे करना चाहिए मुझे करना चाहिए, ये मैंने किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे इतना दबाव डाला, इतनी बदतमीजी और दुर्व्यवहार के साथ में पेश आए, कि फिर मुझे मेरा आपा खोना पड़ा।